चेन्नई सुपर किंग के बल्लेबाजी कोच माइकल हसी का मानना है कि महेंद्र सिंह धोनी इस बार आईपीएल में नंबर 4 पर बल्लेबाजी के लिए सबसे उपयुक्त होंगे। 39 साल के धोनी पिछले जुलाई के बाद क्रिकेट में वापसी करेंगे। माही के प्रशंसकों को उनकी वापसी का भी इंतजार है। इस बार आईपीएल के मुकाबले संयुक्त अरब अमीरात में 19 सितंबर से होंगे। मैं आपको बता दें, सीएसके स्क्वाड 20 अगस्त को यूएई के लिए रवाना होगा। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज हसी ने बातचीत के दौरान बताया कि धोनी अगर थोड़ा ऊपर बल्लेबाजी करते हैं तो वो सीएसके को ज्यादा फायदा पहुंचा सकते हैं। दरअसल आपको बता दें, धोनी आमतौर पर नंबर 6 या नंबर 5 पर बल्लेबाजी करते हैं। 45 साल के हसी चेन्नई की टीम संयोजन से प्रभावित हैं। फ्रेंचाइजी ने अपने खिलाड़ियों के मुख्य समूह को बरकरार रखा है जो वर्षों से उनकी सफलता के लिए जिम्मेदार हैं। कप्तान धोनी के अलावा सुरेश रैना, ड्वेन ब्रावो, इमरान ताहिर और रविंद्र जडेजा सालों से सीएसके टीम की रीढ़ है। शेन वॉटसन और हरभजन सिंह जैसे अनुभवी क्रिकेटरों ने टीम के प्रदर्शन को ऊंचाई दी है। दरअसल एक अन्य फैक्टर जो सीएसके को संयुक्त अरब अमीरात में खतरा बन सकता है वो है उनका स्पिन आक्रमण। हरभजन सिंह, जडेजा, ताहिर, पीयूष चावला, कर्ण शर्मा और मिचेल सेंटनर जैसे कई स्पिन विकल्प उनके पास मौजूद है। अपने अनुभवी स्पिन आक्रमण से वो बाजी मार सकते हैं। दरअसल हसी ने कहा, हम भाग्यशाली हैं कि हमारे खेमे में बहुत सारे अनुभवी खिलाड़ी हैं जो अपने खेल को अच्छी तरह से जानते हैं। वो ये भी जानते हैं कि उन्हें क्या करना है और कैसे तैयार रहना है। दरअसल आपको बता दें, कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और चेन्नई सुपर किंग टीम के उनके साथी खिलाड़ी यूएई रवाना होने से पहले अभ्यास शिविर में भाग लेने के लिए शुक्रवार को चेन्नई पहुंचे। एम चिदम्बरम स्टेडियम में एक सप्ताह के शिविर में खिलाड़ी पसीना बहाएंगे। वहीं आपको बता दें, सीएसके ने अपने ट्विटर हैंडल पर यूएई जाने से पहले परीक्षण शिविर के लिए चेन्नई पहुंचे खिलाड़ियों की सूची जारी की है। इस लिस्ट में एमएस धोनी, सुरेश रैना, अंबाती रायडू, केदार जाधव, दीपक चहर, पीयूष चावला, कर्ण शर्मा, ऋतुराज गायकवाड़ और मोनू सिंह शामिल हैं। बताया जाता है कि अर्पण मौला, रविंद्र जडेजा और हरभजन सिंह शिविर में भाग नहीं लेंगे। सीएसके के एक अधिकारी ने कहा कि जडेजा व्यक्तिगत कारणों से अभ्यास शिविर में भाग नहीं लेंगे और टीम की रवानगी से पहले टूर्नामेंट स्थल पर उनसे जुड़ेंगे। खैर, आपको क्या लगता है हमारे कमेंट बॉक्स पर मेंशन करना ना भूले। LD न्यूज रूम की रिपोर्ट।